इतना देर हो गया, अभी जाके क्या होगा? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या जवाब? कौन बोलता है सिनेमेटिक? अच्छा, वो वीडियो का क्वेश्चन। हमारे रिपुन भाई एक सवाल पूछे थे एक वीडियो में। हमने बोला था वीडियो में कि एक आदमी है, एक यूट्यूबर है, जो बोलता है कि यूट्यूब ब्लॉगर अगर सिनेमेटिक ब्लॉग डालता है या फिर सिनेमेटिक शॉर्ट डालता है, वो यूट्यूबर यूट्यूबर ही नहीं है। कोई बोला था? कोई उसको उसका पर्दाफाश नहीं कर सकता। फेमस आदमी है ना, उसका पर्दाफाश नहीं कर सकता। पता चल गया, निको भाई बोलते पता चल गया। क्या पुकुरी पुकुरी कर रहा है? पुकुरी पुकुरी कर रहा है। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्ग बच्चा बड़ी मेरे स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ दो दो एडिशनल राइडर्स जो है ज्वाइन कर चुके हैं, उनमें से एक सामने जा रहे हमारे। चले गए। रुकिए रुकिए, मिलने के बाद बताते हैं कौन है। इधर से डाल दे क्या? नहीं, गाड़ी है। एनीवेज, एक एडिशनल राइडर है हमारे ये भाई साहब, इरफान भाई। चैनल का नाम है मैक्स थ्रोटल, इसलिए मैक्स थ्रोटलिंग करके गायब हो गए भाई साहब। उनके आगे है, अरे सब लोग पेलम पुलाई कर रहे हैं, थोड़ा धीरे जा नहीं सकते वो भाई साहब। ओके। ये जो स्पाइडरमैन वाला बैग है ना, ये भाई साहब है राइड विद रिपुन फ्रॉम चैनल ये वाला। तो आज हम सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत हवा खाया जाए। हवा से मतलब है बहुत ही अंदर में घुटन महसूस हो रहा है। तो आसमान में कितना ठंड है और हवा चल रहा है, वो देखना है आज। जी हाँ, बने रहिए वीडियो पर। थोड़ी देर पहले हल्का फुल्का बूंदाबांदी हुआ यहाँ गुवाहाटी में, तो मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल वाला मौसम चल रहा है फिलहाल। ठंडा ठंडा कूल कूल बोले तो गर्मी कूल वाला मौसम। आए हाय, मलाई चमचम रोड के बाजू में दोनों तरफ मलाई चमचम। अरे बाप रे बाप, ये एनाकोंडा का टायर वाला बाइक कौन सा है? दिखाते आपको, दिखाते, वेट, दिखाएंगे आपको, रुकिए। अच्छा ये वाला ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल, बहुत अच्छा लगा देख के बहुत दिनों के बाद। काफी अच्छा बाइक है। ठीक है, आप जाने नहीं देंगे तो हम पीछे पीछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस बोलेरो वाले भाई साहब। इतना ट्रैफिक क्यों है आज? छोड़ के चले गए हमें सब लोग। क्या कर रहे हो यार बोलेरो वाले भाई साहब, क्या कर रहे हो यार? रिश्के वाले के कारण थोड़ा स्लो जा रहे थे। आपकी गलती नहीं है, नहीं किसी की कोई गलती नहीं। बढ़िया है भाई साहब, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द लेग गार्ड का सही इस्तेमाल, लेकिन ब्रेन का भी सही इस्तेमाल कीजिए और हेलमेट पहनिए। बाप रे बाप, भाई साहब को बहुत हड़बड़ी है। लाल परी बहुत ही उदासी से रोड के बाजू में रुकी हुई है अपने लाल परा के इंतजार में। क्या हुआ भाई साहब, अकेले अकेले क्या हम्बा हम्बा कर रहे हो? वी आर सो लकी, जस्ट लुक एट दिस, ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, माउंटेन्स, सब कुछ है यार। नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ है, बर्फ़ चाहिए बर्फ है, ग्रीन चाहिए ग्रीन है। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज वो भी है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड वो भी है, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड वो भी है, और क्या क्या है ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई साहब, घुमा रहे उनको ज़्यादा तकलीफ ना देते हुए हम धीरे से बाजू से निकल गए। बहुत ही खतरनाक वाले रोड पे आ चुके हैं फिलहाल। आए हाय, क्या रोड है भाई साहब, क्या रोड है। निको भाई इतना स्लो जा रहे हैं, मेरे ख्याल से हमारा टंगरी नीचे उतारना पड़ेगा। नहीं उतारे हम दो, काफ़ी एडवेंचर वाला रोड। फ्रेश एयर, थोड़ा हेलमेट का ग्लास खोल के फ्रेश एयर ले लेते हैं। बहुत ही खतरनाक स्किड करने वाला है यहाँ पे। ओ क्या हिल्लम डुल्लम कर रहा है गाड़ी, बोल रहा हूँ क्या खतरनाक वाला गाड़ी हिल रहा है।
हाँ ऐसे ऐसे हो रहा था मेरा भी। एक ही टान में, ओ एक ही टान में आना पड़ता है। निको भाई का हिंदी लाजवाब है भाई साहब। सबका सबका एक ही हालत है। उतरने का टाइम में कुछ नहीं है, बैलेंस बना के उतर जाओ, स्लो स्लो इंजन ब्रेकिंग कर लो, उतर जाओ आराम से। ओ जैसे बोला था भाई साहब ने वैसे नहीं, अपने हिसाब से। थोड़ा सा ब्रेक लिए थे ऊपर जाके देखने के लिए, वहाँ से अच्छा वाला व्यू नहीं आ रहा है, तो थोड़ा आगे जा रहे हैं और देखते हैं कि आसमान से कैसे दिखाई देता है हमारा गुवाहाटी। जलते जलाते हम क्वांडू का स्टिल कीप माय काम फ्लाइंग बैलिस्टिक मिसाइल्स आई एम अब्दुल कलाम कर्मा सम ऑफ द लेक अप अ रिक अप अ स्टॉर्म आई लिव अ सन आर्मा। बहुत स्लिप। ये रोड है भाई साहब, इसको रोड बोलते हैं। आय हाय क्या रोड है, हाय क्या रोड है, क्या रोड है भाई साहब, जबरदस्त है जो भी है। इनका चैलेंज शुरू होने से पहले ही गाड़ी गड्ढे में घुस चुका है फिलहाल। इरफान भाभी चढ़ाने की कोशिश और बाइक देखिए यहीं पे धस चुका है। अरे कीचड़ उछलेगा, कीचड़ उछलेगा, पीछे हो जाओ। क्या बोलते हैं इसे, कहते हैं रिपुन भाई बोल रहे हैं, इसे कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। जी हाँ, बहुत ही जोश जोश में डाल दिए है गाड़ी का ये हालत, बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। हाँ टायर का चिकना हट और चमक देखिए दोस्तों। खींचो खींचो, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, बाइक तो हर भाई सा। ऑफ करके ऑन करो ना, न्यूट्रल हो जाएगा। बस बस हो गया, बस बस रुको रुको, हैंडल सीधा करो, रिमोट अभी खींचो, पीछे लो पीछे लो, बस 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 मैक्स थ्रोटल का थ्रोटल निकल चुका है। ऑफ रोडिंग में बाइकर्स लोगों को यही मस्त अच्छा लगता है कि नहीं भाई। तो धक्का लगाओ, गिरो धक्का लगाओ, अभी गिरना बाकी है, कौन गिर के दिखाएगा। ये वाला रोड नहीं है, ये वाला रोड है, इसमें तो जा ही नहीं सकते। और जोश जोश में आगे चला गया तो फंस गया वो। हाँ हमारे मैक्स थ्रोटल भाई साहब हार मान गए, तो अभी निको भाई जाएंगे, देखते है निको भाई को धक्का लगाना पड़ता है या नहीं। सबसे सबसे अच्छा क्या लगा पता है, निको ने बोला की मुझे ऊपर जाना है, इसने बोला की हम मैं चलो स्टार्ट करके तुरंत चलना शुरू, और चलते ही अचानक उधर टायर घुस गया, किचन में टायर घुस गया तुरंत। तो यहाँ से उड़ाए थे ड्रोन और वहाँ पे एक टेम्पो फंस गया था एक डेढ़ घंटा से, वो अभी ऊपर चल रहा है। ओके यहाँ पे बहुत ही खराब हालत है इनका, तो अभी उठा रहे हैं इनको। चलो ऊपर से तुम नीचे आए तब तक नहीं गिरे, यहाँ पे आके तुम गिर गए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चोट लगा क्या, चोट लगा है? चोट नहीं लगा, मोशन दिखा के गए थे ऊपर, आराम से आ गए और यहाँ पे आके गिर गए, अभी उठाए है इसको। रिपुन भाई जरा फुटेज दे देना, दिखा देंगे हम यहाँ पे आने का मजा, उसके साथ थोड़ा बहुत सजा दोनों मिल चुका है निको भाई को, है कि नहीं। चलो हाँ बढ़िया है, घुमा लिए है गाड़ी, आज खतरनाक वाला मार पड़ने वाला है घर जाके। जूते का हालत देख के तो ऐसा ही लगता है, बहुत ही कष्ट करते हुए हमारे रिपुन भाई। अरे बाबा रो, क्या स्कीट मारता है रे बाबा, नागिन डांस, बहुत ही अच्छा नागिन डांस हो रहा है फिलहाल। एक बात बोलना है, मैं नहागिन 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 नहागिन। अरे भाई गला सूख गया, चलो पानी वानी पीते कहीं। और भाई साहब कैसे हो, सब बढ़िया चल रहा है? अरे बाबा को गाड़ी तो अपने आप जा रहा है, रो 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 ए रो रो रो। अरे बस थोड़ा और, थोड़ा सा और, बस 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 हो गया, हो गया, बस बस हो गया। हालत ख़राब हो जाता है ऑफ रोडिंग में इस तरह का बाइक चला के। ओ भाई कैसा लगा,
एकदम फास्ट क्लास लगा। हाँ अरे बाप रे, बाइक शोरूम कंडीशन हो चुका है फिर से। हम लोग जंगल के जंगली होके आ चुके हैं बाप, जंगल के जंगली लोग बुलाएंगे हमें मोगली। तो यहाँ पे एक सब्सक्राइबर मित्र मिल गया, नाम तो कोई दिया? नमस्कार, प्रसन्नजीत कलिता दिया। थैंक यू, मोर वीडियो सुवा ভাল লাগিছে, চাই থাকিবা। আর পড়ি আছানে না কোন ক্লাসত? ক্লাস 5 ভালকে পড়িবা। ওকে সো গাইস, ইয়া পে থোড়া বহুত ব্রেক লে লিয়া গয়া হ্যায় আর ঠান্ডা ঠান্ডা পি লিয়া গয়া হ্যায়। কোই টেনশন ওয়ালি বাত নাই হ্যায়, লেকিন এক টেনশন ওয়ালি বাত হ্যায় জো আপসে পুছনা হ্যায়। ইয়া পে জো পের হ্যায়, পের মে পূজা বগেরা হোতা হ্যায় মেরে খেয়াল সে শায়দ। কো ক্যা চিজ কা পের বলতে ভাই ইসকো? বরগদ কা পের। তো মেরে খেয়াল সে সব জগহ মে পূজা হোতা হ্যায়, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो खैर अगर पूजा होता है तो यहाँ पे डस्टबिन वगैरह बियर का बोतल वोतल ये सब क्यों है? तो यहाँ पे और कुछ सब्सक्राइबर मित्र मिल गए थे, तो इनसे हमने पूछा के कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे पूजा वगैरह होता है कि नहीं। पूजा होता है इस वाले पेड़ में और उस वाले में भी होता है। तो हमने दुकानदार से पूछा कि यहाँ पे अगर पूजा होता है तो यहाँ पे कूड़ा उड़ा क्यों है, दारू का बोतल क्यों है? तो बोल रहे थे कितना साफ करेंगे भाई, लोग आते हैं फेंक के जाते हैं। चिकन मोमो की मान गए? रोटी डियो कैक्ट। तो बहुत दिन के बाद मोमो खाएंगे। तो मोमो खा लिया गया है, बहुत ही टेस्टी था मोमो। और बहुत दिन से सोच रहे थे कि R3 में ऑफ रोडिंग करना है। हालांकि R3 में ऑफ रोडिंग करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया करके। निको भाई भी गिर गए थे, कोई बात नहीं, ज़्यादा चोट नहीं आया निको भाई को। तो यहाँ तक वीडियो देखा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइड सेफ। और कल मैं जा रहा हूँ बंगाईगांव, वहाँ पे नानी के घर में जाना है। मेरा जो सेकंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो घंटा बटन है उसको भी दबा के रखिएगा। सोच रहा हूँ कि एक SMS वीडियो बनाऊंगा, SMS ब्लॉग बनाऊंगा, और किस टॉपिक में बनाऊँ गाँव में जाके वो जरूर नीचे कॉमेंट करना अगर देखना चाहते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, बाय बाय। Making Jah told me that East Rastafari.